पे सबसे महंगी कौन सी है, पहले मुझे ये दिखाइए चलते। सबसे महंगी तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा, मेरे को ऐसे तो नहीं आइडिया। तो भाई मम्मी की डिमांड आई है कि सबसे महंगी वाली सुपर कार ले रहे हैं, तो सबसे महंगी ले लेते हैं। सबसे महंगी वाली सुपर कार दिखाऊं? चलो भाई टेस्ट ड्राइव के बाद वापिस जाएंगे और सबसे महंगी वाली सुपर कार मम्मी को दिखाएंगे, क्योंकि मम्मी की डिमांड है सबसे महंगी वाली सुपर कार मेरे को चाहिए। तो मंगाओ पार्किंग से ही गाड़ी मंगाओ। चलो चलो भाई, गौरव भाई के शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी दिखाते हैं आपको। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है भाई आप सबका मेरे व्लॉग चैनल पे। डेली डेली स्वागत करता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि डेली व्लॉग आते हैं ना भाई। तो देखो, वैसे तो आप सबको भाई पता ही होगा कि भाई डेली व्लॉग आते हैं 11 बजे, पर जो दर्शक नए हैं, जिन व्यूअर्स को नहीं पता, तो भाई आप भी पता लगा लो, दिमाग में घुसा लो ये बात, डेली 11 बजे व्लॉग आते हैं। तो डेली देखने होते हैं 11 बजे व्लॉग्स मेरे, ठीक है? अभी जैसे आपने आज देखा 11 बजे, तो फिर कल भी देखो, परसों भी देखो, डेली देखो यार, कुछ लगता थोड़ी है देखने में, बल्कि उल्टा मजा हो रहा है। तो ऐसे ही देखते रहो व्लॉग्स और मजे करते रहो। बाकी भाई देखो एक बात बताओ मेरे को, व्लॉग्स के अंदर हरियाणवी बोलनी स्टार्ट कर दूं या नहीं करूं? फिर कहते न्यू कहो कि भाई हमारे हरियाणवी समझ में नहीं आ रही, तो फिर उस अकॉर्डिंग मैं देखूंगा यार हरियाणवी बोलूं या ना बोलूं फिर, क्योंकि मेरा तो भोजी करता भाई मैं हरियाणवी बोलूं, पर फिर मैं इससे हमारी रुक जाऊंगा भाई, थारा समझ में आवे या फिर ना आवे, वो वाली दिक्कत हो जाए ना भाई। बाकी भाई लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो यार, ठीक है? व्लॉग चैनल के ऊपर सुपरकार देखना चाहते हो ना, मेरे पास सुपरकार हो तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर कराओ व्लॉग चैनल के ऊपर। और देखो वैसे मेन चैनल पे भी 12 मिलियन सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, तो वहां भी 12 मिलियन करवा दो। बात ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मेरे सब्सक्राइबर करवाओ तब मैं गाड़ी लेके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि कुछ हो जाए ना, कि भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए या 12 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई लोंडा 12 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो सुपरकार लेके आया, या फिर व्लॉग पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो सुपरकार लेके आया। बाकी भाई कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है गाइस, लेके तो मेरे को आनी है, पर मेरे को अच्छा लगेगा यार अगर आप सब्सक्राइब करोगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दो। घर में भाई जो इतने बच्चे लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो बच्चों, खाली वीडियो मत देखा करो, सब्सक्राइब भी करना होता है। और उनके घर वाले, उनके मम्मी पापा जो व्लॉग देखते हैं, आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो यार, देखना ही थोड़ी ना होता है, सब्सक्राइब भी तो करो ना, देख के अच्छा लगता है, मजा आता है, तो सब्सक्राइब करो, थोड़ा मजा मेरे को भी आएगा। तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दो। चलो ये तो होगी बच्चों की और फैमिली वालों की बात, लेकिन ये जो लोंडे हैं, ये अधेड़ उम्र के हो रहे भाई, तुमसे सब्सक्राइब नहीं होता चैनल, तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, अधेड़ उम्र के हो रहे हो, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना होता है। जस्ट किडिंग, कभी बुरा मान जाओ, कर देना चलो सब्सक्राइब वैसे, ठीक है ना? तो ये देखो भाई सबसे अपील कर दिया सब्सक्राइब की, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए फटाफट, जल्दी से जल्दी। बाकी चलो अभी आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि मैं जा रहा हूँ शोरूम सुपरकार के, तो सुपरकार के शोरूम में जाऊंगा। अभी तो मैं खैर अकेला हूँ, देखो पीछे कोई भी नहीं है, मेरा बस ड्रम बैग है, क्योंकि इसमें मेरा सामान रहता है यार, जैसे भाई पर्सनल सामान, बहुत सारा पर्सनल सामान होता है। बाकी शोरूम पे जाने के बाद भाई मेरे को वहां पे मिलेगी मम्मी, चीनू और स्वाति, ये तीनों मुझे वहां मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली भाई पापा आ नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है यार पापा पुलिस में है, तो पुलिस वालों की छुट्टी का लफड़ा ही रहता है, कभी छुट्टी होती है भाई, कभी नहीं होती, तो आज पापा की छुट्टी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, आज नहीं आए पापा, कोई बात नहीं, फिर कभी पापा की छुट्टी होगी तो भाई पापा को भी सुपर कार दिखा के लाऊंगा। आज तो मैं मम्मी, चीनू और स्वाति को दिखा दूं, पर क्या है ना भाई, जब गाड़ी की डिलीवरी लूंगा ना, तब तो पापा को आना ही पड़ेगा, चाहे फिर छुट्टी हो या फिर छुट्टी ना हो, सीधा बोलूंगा पापा लोंडे ने तुम्हारे ने इतनी महंगी गाड़ी ली है, इतनी सुपर कार लग्जरी कार ली है, मतलब एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते क्या मेरे लिए? वैसे मुझे पता है पापा कर ही लेंगे, कहने की बात है, कोई नहीं अभी चलते हैं और मम्मी और बहनों से मिलते हैं वहां चल के। बाकी दोस्तों मौसम हो रहा है एक नंबर का, रात के 2 बजे से राम जी बरस रहा है, बढ़िया मौसम हो रखा है, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है ना, पता नहीं भगवान जी मेरे से किस चीज पे नाराज हो जाते हैं, जिस दिन मेरा शूट होता है ना मेन चैनल का, उस दिन बढ़िया धूप निकाल के गर्मी कर देते हैं, भगवान जी थोड़ी सी कृपा रखो, वैसे आपने बहुत कृपा रख रखी है, थोड़ी सी धूप के मामले में भी कृपा रखो, शूट वाले दिन भी अच्छा मौसम करा करो भगवान जी। छप्पन की मशीन को ना चाहिए भोलेनाथ, मना तू मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, उत्ती भस्म तेरे रीति रसम, सतुती करें देवता गण, तेरे प्रभाव का ना हो अभाव, ना तुझसे लगाव हो मेरा कम, तो मैं करूं वंदना हरदम। तो भाई फ्यूजन कार पहुंच गए हैं गौरव भाई के पास, तुम्हारा नाम गौरव ही है ना?
मेरा नाम तीन नाम है मेरे, निक नेम है मोनू, हाँ गौरव है मेरा ऑनलाइन नाम जो मेरे सारे जानते हैं, और मनोज मलिक भी मेरा। मैं वही कह रहा हूँ, मगर कहीं पे कुछ नाम है कहीं पे कुछ, मैं कभी गलत तो नहीं बोलता। मैं ना नहीं, मेरा गौरव ही है। अच्छा आज सरप्राइज आपके लिए भी, आज मम्मी और दोनों बहनें आ रही है गाड़ी देखने के लिए। अरे बाजी वाह, उनकी हाँ। यार रजामंदी जरूरी है हाँ। कहीं ना कहीं वहीं खड़ी। पता है क्या होता है, देखो दोस्तों के साथ पूरी जिंदगी के, तू दोस्तों की मुंह पे ही ले आया हाँ। हमारे को तो बिठाना ही नहीं है। अभी क्या हुआ, दोस्तों को ले आया स्टार्टिंग में, फिर सिब्बू के साथ आ गया, अभी बचे हैं मम्मी और बहने बचे हैं, वो मम्मी आ गई, बहन भी आ गई। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मम्मी और चीनू आ गए दोनों, अभी एक और बहन आ रही है। ओके दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों बहने हैं, आ जाओ वेलकम। हेलो जी, हेलो मम्मी जी, नमस्ते नमस्ते। अब देख लो गाड़ी, जोन जी पसंद आए बता देना, हाथ रख देना, ये आपको दे देंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी आए हैं, जय हो, जय हो लड्डू गोपाल की। भाई पहले तो इन्हीं को विराजमान करवाना बनता है। वेलकम, बढ़िया। बता कौन सी गाड़ी पास रहेगी, तुम सारे मिलके ना गाड़ी पास दर दो, वही गाड़ी ले लेंगे फिर। ठीक है, फोटो हमारे लाला की। अच्छा, ये देखो ये वाले जी, ये है हमारे मासी के लाला, और बड़े ये वाले लड्डू जी, ये बड़े वाले लाला देखो, फुल ड्रेसेस एंड ऑल। देखो ये है पोर्शे, वो पीछे भी रेड कलर की पोर्शे, ये आपके पीछे कड़ी, ये है मस्टैंग, ये है इसमें बिठाना, मस्टैंग में अभी रुक जा, सब मैं बिठाता हूँ। बोनट, हाँ इसका बोनट बहुत बड़ा है, ये वो वाली है जो मैंने सबसे पहले देखी थी, जो बहुत शोर करती है ऐसे, वाँ वाँ बिल्कुल। वो है मिनी कूपर, नहीं टू सीटर भी है कुछ, और कुछ फोर सीटर भी है। अच्छा। जैसे ये पोर्शे तो टू सीटर में है, ये रही ना खुली हुई, ये टू सीटर, इसमें दो ही बैठ सकते हैं बस। ये भी टू सीटर है पर ये खुलती नहीं है छत, उसकी छत खुलती है, दोनों पोर्शे ही है। जो फोर सीटर होती है ना इसमें, जैसे मुस्टैंग फोर सीटर है, ये भी नाम की है, That is called baby seat. कोई बच्चे बैठने हैं तो बैठने हैं, बड़े तो उसमें भी नहीं है। हाँ मतलब मेन जो है ना, आगे दो बंदे बैठ पाएंगे कंफर्टेबल, पीछे थोड़ा गुपचुप होके बैठना पड़ेगा। तेरे को पसंद है क्या मिनी कूपर? हैं? एक दिन मैं भी आऊंगी लेने मिनी कूपर, मतलब उस टाइम पे देखते हैं, पर आऊंगी जरूर। ये अभी आपको इसकी आवाज सुनाते हैं, ये पंजा देना, अरे पंजा दो पंजा, ये है मस्टैंग, कैसी है मस्टैंग? ये नॉर्मली ऐसा है कि मॉडिफाइड एग्जॉस्ट है, गाड़ी स्टार्ट है ट्रैक्टर एग्जॉस्ट। मम्मी कह रही है पता ही नहीं लग रहा गाड़ी स्टार्ट हुई है ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ है। ये जो बाहर भी आवाज ऐसी आएगी आपको, ट्रैक्टर भी फीका है लेके, वो ट्रैक्टर वाले फीलिंग आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि अगर दूसरी सड़क से कोई देखे कि कौन गया है पास से, तो वो इसी में समझ सकता है। ये अपनी तरफ लोगों का रुख मुंह कर लेती है ट्रैक्टर। तो बताओ इसके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में पीछे मेरी अभी देखेंगे। देखो भाई, देखो कोई अगर ट्रैक्टर पे जाता है और उसकी साउंड सुन के कोई पलटता है, ओहो कोई गांव का बंदा ट्रैक्टर ले आया, और अगर इसका साउंड करके कोई उधर करता है, ओहो कोई रहीस बाप का जा रहा है। बड़ा फर्क है भाई। ये देखो ये पोर्शे केमैन, पोर्शे की है पर कन्वर्टेबल नहीं है, जैसे ये खुल जाती है छत्तीस की खुलती नहीं, आवाज तो इसकी भी सेक्सी है। हाय हाय, कान फाड़ दो भाई। तो गाइस मम्मी को टू सीटर में बिठा दिया है, अभी मम्मी को टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं हम टू सीटर की। इतने में तो सिब्बू रो गई थी, बस इतने में ही हाँ। ये तो खैर ज्यादा तेज नहीं थी, ये देखो 120 113 हो गई थी। अच्छा, मतलब बहुत वैसे तेज हाँ, क्योंकि अरे भाई इतनी करोड़ की गाड़ी है तो मस्त है गाड़ी। हाँ, बढ़िया, मतलब स्पीड का पता ही नहीं लग रहा, कैसे मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा। चलो आप एक काम करो, छत खोलो। कैसे, कहाँ से? ये बटन है ना, इसको ऊपर खींच के रखना। हाँ खींच के रखना जब तक मैं ना बोलूं, वहां बजा खींच के रखो। ये लो भाई आपकी छत खुल गई, छत खुल गई भाई, है ना, ई रिक्शा वाले से बचा के भाई, आपकी छत खुल गई, अभी खींच के ही रखना, ठीक है अब छोड़ दो बस, अब मौज मारो, मौसम भी बढ़िया हो रहा है,
देखो बारिश का मौसम हो रहा है, कैसा मजा आ रहा है? बढ़िया एकदम। ले ले फिर, कुछ अलग फीलिंग है। अलग फीलिंग है ना। तो गाइस मम्मी को भाई आज टू सीटर की टेस्ट ड्राइव करवा दी। भाई दोस्तों के साथ भी आ गया था गाड़ी देखने, फिर सिब्बू के साथ भी आ गया था, मम्मी और घर वाले रह गए थे, इनके साथ नहीं आया था, तो आज फाइनली इनके साथ भी आ गया। कुछ नहीं है अभी ना, चीनू वेट कर रही है कि पहले आप जाओ फिर मैं जाऊंगी, फिर चीनू आएगी फिर स्वाति आएगी। अब बताओ आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई, कौन सी ले लें? अभी तो मैं देखूंगी और शोरूम पे, अच्छी है ये भी। हाँ। वहाँ पे सबसे महंगी कौन सी है पहले मुझे ये दिखाइए चलते। सबसे महंगी तो वहाँ जाके देखना पड़ेगा, मेरे को ऐसे तो नहीं आइडिया। नहीं पहले देखेंगे और भी। तो भाई मम्मी की डिमांड आई है कि सबसे महंगी वाली सुपर कार ले ही रहे हैं, तो सबसे महंगी ले लेते हैं क्या? हाँ। मतलब मुझे खैर आइडिया इतना है नहीं, मैं देखूंगी अभी सब गाड़ी होगा उसके बाद डिसाइड करेंगे। सबसे महंगी वाली सुपर कार दिखाऊं? चलो भाई टेस्ट ड्राइव के बाद वापस जाएंगे और सबसे महंगी वाली सुपर कार मम्मी को दिखाएंगे, क्योंकि मम्मी की डिमांड है सबसे महंगी वाली सुपर कार मेरे को चाहिए। कैसा लगा? बढ़िया लगा भाई, बढ़िया। अभी एक काम करता हूँ, चीनू को और स्वाति को पोर्शे की टेस्ट ड्राइव दिला के लाता हूँ। पोर्शे बॉक्सर हैं इकट्ठे। चीन पहले तू बैठ जाइयो, फिर ये तेरे ऊपर बैठ जाएगी या तू इसके ऊपर बैठेगी? नहीं एक ऐसे आ जाएंगे ना साइड में, एक के ऊपर एक बैठ जाना ना, वरना दो चक्कर लगाने पड़ेंगे फिर। आ जाएंगे जो पीछे भैया बोल रहे, आ जाएंगे चीनू। नहीं नहीं ऐसे करो, गया तू चीनू के ऊपर बैठ जा, तू हल्की है, चीनू थोड़ी सी हैवी है। अभी पोर्शे की लेते हैं टेस्ट ड्राइव। मम्मी ने पूछा आपके शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? अच्छा जी, हमारे शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी राइट नाउ बाहर खड़ी है पोर्शे पैनामेरा। पैनामेरा कौन सी है दिखाना? पोर्शे पैनामेरा पार्किंग। अच्छा बाहर है, पोर्शे की है, फोटो दिखा दो। चलो ये भाई देखो, गौरव भाई की सबसे महंगी गाड़ी शोरूम की, ये कन्वर्टेबल है? नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में सबसे महंगी यही है, जो अभी राज रखा हुआ है अपने, वो यही है। अच्छा ये है सबसे महंगी, ये है देखो, पोर्शे है लेकिन कन्वर्टेबल नहीं है। अब बताओ देखनी है या कन्वर्टेबल ही चाहिए? अभी तो मेरे को समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं कन्वर्टेबल मतलब छत खुलने वाली, सही लगी ना? छत खुलने वाली चाहिए या बिना? देखने के बाद ही होगा ना अंदाजा, तो ऐसे थोड़ी इस टाइप की रहेगी, ग्रे कलर की जो खड़ी है। मैं आपको मंगाता हूँ, मंगाओ पार्किंग से ही गाड़ी मंगाओ। चलो सबसे महंगी गाड़ी दिखाओ। सबसे महंगी गाड़ी, हाँ देखो नहीं पता है तो देखना चाहिए ना। बिल्कुल देखना चाहिए, और इस गाड़ी अभी तो मैं बता पाऊंगी किसी को, कम से कम आपको 15 दिन लगेंगे, इतने फीचर्स है उसमें। हाँ यही खड़ी गाड़ी में हाई टूट। क्या कह रही है तू, चलाएगी? लाइसेंस बन गया तेरा? लाइसेंस तो नहीं। चल परेन बैठ जा और दोनों इकट्ठे बैठ जियो, इसको निकलवाना भाई। तो भाई अगली गाड़ी हम जाएंगे पोर्शे की टेस्ट ड्राइव पे, पोर्शे बॉक्सर। उससे पहले यहाँ पे चल रहा है टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक कॉफी है तो लो जल्दी जल्दी कॉफी लो। बॉक्सर के टेस्ट ड्राइव पे लेके जाइए। हाँ तो चल लियो तू और चीनू, एक काम करियो, मैंने बोला तो एक साथ बैठ जाना, एक के ऊपर एक। मस्टैंग भी जाना है मुझे, मस्टैंग। चल देखते हैं अभी, अभी आवाज सुनाई तो थी, कान नहीं फटे तेरे, बीच में पुलिस वाले पकड़ लेंगे। हाँ फिर चलान भर देगी उस पे, दोनों मैं आगे बैठूंगी ठीक है, और चीनू पीछे बैठेगी मस्टैंग। क्या कह रहे हो? स्टाफ है? किस चीज का स्टाफ है? किस चीज का स्टाफ है? मेरा स्टाफ है। देख लो भाई हमारी मम्मी रोजा फायदा उठाती है पापा की पुलिस में होने का। कैमरा दिखाती चुप हो गई, कह रही कैमरे पे नहीं बोलूंगी। मम्मी रोजा भाई लाइव कैच हो गई स्टाफ का फायदा उठाते हुए। नहीं वो हम वैसे नहीं उठाते, मतलब एक बात है भाई, स्टाफ है, पूछताछ के अपना निकलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम गलत करेंगे और स्टाफ का फायदा उठाएंगे, ऐसा नहीं है। चलो कोई नहीं, ना आज तक ऐसा हुआ, वो तो है ही। अच्छा लगता है कि स्टाफ है हमारा। ये तो है ही, मेरे को भी पुलिस वालों ने जब भी रोका है चलान भरने के लिए, तो मैंने जब बेल्ट नहीं लगा रखी होती या कुछ भी नहीं हो, ऐसी कोई मिस्टेक निकलती है तो मैं चलान भर देता हूँ। मैंने कभी ऐसे नहीं किया पापा को फोन करके कि पापा ऐसे 1000 रुपए मांग रहे हैं, 500 रुपए मांग रहे हैं, मतलब बचवा लो मेरे को। चलो भाई गौरव भाई के शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी दिखाते हैं आपको, पोर्शे पैनामेरा 4। पैनामेरा लेटेस्ट शेप बिल्कुल, ये भाई पोर्शे की चाबी, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। सॉफ्ट टच होगा दरवाजा, बैठ के देखो, देखो इसका। ये अच्छा हट, मेरे को देखने दे। सारे आ जाएंगे? हाँ ये 5 सीटर है प्रॉपर,
फोर है फाइव है फोर फोर अच्छा बीच में वो है बीच में इसका पूरा कॉकपिट दिया टच वाला ओ भाई ये है पोर्शे पैनामेरा अब तू हो गया मेरा ये देखो भाई पैनामेरा फोर लिखा रहा है आ जाओ कहाँ गए दोनों ये ठीक है ये ले ले भैया इसमें सारे आ गए हम पर ये कन्वर्टेबल नहीं है कोई बात नहीं अरे ऐसे थोड़ी होता है कन्वर्टेबल चाहिए भाई चाबी कितनी अच्छी है इसकी चाबी भी भाई अच्छी है इसको स्टार्ट करता हूँ दो ले ले फिर ये ऐसे होती है दो ले ले हाँ दो ले ले फिर पहले एक तो ले ले फिर दूसरी भी ले लेंगे क्या दिक्कत है कोई दिक्कत थोड़ी है स्टाफ चल जाएगा पापा का अंकल आपको अंकल पकड़ ली बात मेरी बात सुनो इसमें भी देखो क्या लगा है स्पोर्ट्स क्रोनो पैक करो ये स्पोर्ट्स मोड हो गया आवाज चेंज हो गई एस करो थोड़ी सी रेस दो इनमें इस तरीके ये पूरा का पूरा टच कॉकपिट पूरा देखो एग्जॉस्ट ऑन यहाँ से भी होगा ये डिस्प्ले करो सब कुछ डिस्प्ले में होगा तो भाई अभी हम ना इसकी टेस्ट ड्राइव लेके आ रहे हैं क्योंकि ये फोर सीटर है तो इसमें हम चारों बैठ जाएंगे हालांकि पोर्शे बॉक्सटर भी निकलवा रखी है बाहर और बाहर वो बच्चे हेलो कर रहे हैं हेलो बच्चों पोर्शे बॉक्सटर भी निकलवा रखी है बाहर बॉक्सटर में जाएंगे बाद में पहले हम पोर्शे पैनामेरा में चलते हैं तो भाई मम्मी की डिमांड पे अभी हम लोग ना इस शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी ले आए हैं और ये है पोर्शे पैनामेरा और ये फोर सीटर भी है तो इसमें सारे आ गए पीछे पीछे बैठ गई स्वाति और मम्मी और यहाँ बैठ गए मैं और चीनू और इसका इंटीरियर भी देखो भाई इसका तो अलग ही क्लास ही है अच्छा है बहुत पता है मेरे को सही बताऊं तो बहुत पसंद आई है गाड़ी बस मेरे को एक थोड़ी सी जो कमी लगी वो ये है कि इसमें कन्वर्टेबल नहीं है और मेरे को कन्वर्टेबल ही पता नहीं क्यों मेरे दिमाग कोई नहीं भैया एक कन्वर्टेबल ले लियो अगली ये ले लियो हाँ ऐसा कर सकते हैं हम कि पहले कन्वर्टेबल ले ले फिर ये ले ले पर इसमें एक प्रॉब्लम फिर भी हम चार तो आगे फिर पापा कहाँ बैठेंगे चीनू में अच्छा पापा यहाँ बैठ जाएंगे चीनू डिग्गी में और क्या चीनू और इंस्टा चीनू और इंस्टा डिग्गी में ये भी सही है और क्या अभी कोई नहीं कम से कम पोर्शे में तो बैठी हूँ ना लौटेगी तू बैठे को ना जो भी है तू मेरा क्या कहिए फिर अपने स्कूल में भाई गाइज मैं ना पोर्शे में लौट के जाती हूँ तो अभी हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे मतलब ले ही रहे टेस्ट ड्राइव अभी हाईवे आएगा उसमें थोड़ा सा इसकी स्पीड देखते हैं कितनी भक्ति है ये ठीक है चीनू क्या अब तूने लेट व्लॉग स्टार्ट करा अभी मैंने 100 भगाई थी अरे भैया तो क्या नहीं है ना अब रुक जा यहाँ से यू टर्न लूंगा ना तो फिर दोबारा हाईवे पे आएंगे फिर बनाइयो इसमें भी दिखता है क्या डिस्प्ले ऊपर नहीं इसमें यहाँ आती है ना स्पीड ठीक है अभी तो जाम फेस करियो पहले तो चलो भाई अभी देखते हैं अभी आगे हाईवे खाली मिलेगा तो वहाँ पे भगाएंगे इसको थोड़ा सा कैसा है मतलब इसका पर जो अभी टू सीटर चला रहा था ना वो ज्यादा तेज थी भगने में ये भी सही भाग रही है पर उसका मुकाबला है नहीं खैर इसमें बैठने के लग्जरी फील जो आ रहा है ना वो इसमें मस्त है इसमें लोगों के हेड भी टर्न नहीं हो रहे ये देख मम्मी कितनी तो पीछे जा रहे हैं अभी तो 90 गई सो कितने इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है भैया 300 दे रखी है इसमें तो 300 तो 280 90 तो भागती होगी पर वही है ना अभी देख सामने देख कितना ट्रैफिक है यहाँ कहाँ भगाओ भगाने का रोड नहीं है ना वैसे फील कैसी आई इसमें बढ़िया है पीछे बैठ के कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है बढ़िया मस्त तो इसमें बैठी हूँ अब तक किसी में बैठी नहीं हूँ ना कोई नहीं इसके बाद अभी वो पोर्शे बॉक्सटर निकलवाता हूँ ना उसमें फिर तू और चीनू मतलब तू और स्वाति दोनों बैठ जाना और फिर उसकी टेस्ट ड्राइव पे चलेंगे ठीक है वो उसमें आएगा तो मजा उसकी छत भी खुलेगी लोग भी देखेंगे खुली छत की गाड़ी को लोग देखते हैं हाँ। जैसे इसको भी देख रहे हैं पर कम देख रहे हैं हाँ। उस गाड़ी को ऐसे सबकी नजर घूमती है ओ भाई और ऐसे करते हो देख इसकी छत नहीं खुलती ना मतलब छत खुलती तो यही ले लेता ना भैया आंख बंद करके यही उठाता मैं अगर इसकी छत खुलती तो क्योंकि छत खुलने वाली गाड़ी को लोग ऐसे देखते हो देख गाड़ी जा रही भाई जी देखो टू सीटर को थ्री सीटर बनाते हुए देसी इंडियन गाइस चीनू तरह से कुछ दिखता भी ना होगा पीछे जस्ट इंडियन थिंग्स तो भाई अभी पोर्शे बॉक्सटर की टेस्ट ड्राइव होने वाली है अभी इसको लेके चलते हैं सीट बेल्ट चीनू की इसकी सीट बेल्ट इसकी कोड़ी भर ले तू पोर्शे बॉक्सटर का तो इंटीरियर भी भाई काफी बेसिक सा है जो अभी पीछे हमने BMW की टू सीटर चलाई थी ना उसका अच्छा था ये वो है सेंसिंग वगैरह होती है पार्किंग मतलब साइड में कोई ऑब्स्टेकल वगैरह तो नहीं है उस टाइप की होती है ये खोल देना इसकी छत तो गाइस अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं पोर्शे बॉक्सटर को ये भाई बॉक्सटर होगी कन्वर्ट क्योंकि मेरा सर ना इस पे लग रहा था अब ठीक है टू सीटर को थ्री सीटर बनाते हुए अब इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं
फुल आय रोड टू सीटर को थ्री सीटर बना दिया और पता है कितनी गई थी अभी ये अभी 110 गई थी पर मेरे को कुछ नहीं दिख रहा मैंने कराया वैसे कैसी वाइब है टू सीटर की अच्छी है सही तो बताऊं देख सिंगल सिंगल बैठ के देखेंगे तब पता चलेगा सही बताऊं तेरे को अभी मैं BMW ले गया था ना जब टेस्ट ड्राइव पे उसमें ज्यादा मजा आया था वो भाग भी बहुत तेज रही थी और चलाने का एक्सपीरियंस भी उसका बहुत अच्छा था और उसका इंटीरियर भी थोड़ा अच्छा है भैया लोग ऐसे देख के हंस रहे होंगे लोग हंस रहे होंगे कह रहे होंगे ये देखो भाई टिपिकल इंडियन पीपल आ गए टू सीटर को थ्री सीटर बना दिया इनका बस चले तो पांच भी बिठा दे इसमें जैसे स्प्लेंडर पे दो की जगह 10-10 लोग तन के बैठते है ना ऐसे ही भाई हम टू सीटर में 10-10 लोग भर के बैठ जाएंगे मकोड़ा भी है डोंट किल मकोड़ा डोंट बी अ किलर बाहर कर रही हूँ चलो अब एक काम करता हूँ छत बंद कर लेता हूँ इसकी ओके देखिए कभी तेरी मुंडी बीच में आ जाए नीचे कर ले मैंने अपना सर कर लिए तू ऐसे भी ऊपर होकर बैठी है ना होगी ना लोग चलो अभी आगे खुली होगी तो भगाऊंगा ना फिर से 70 हो गई अभी तो रोड भी तो खुला नहीं है ना देखना कितनी गाड़ियां हैं रोड पे मिलेगा तुझे दिल्ली में कितने मिल रहे बस गुड़गांव में तो एक गाड़ी कॉमन होंगी है ना सुपर कार्स मतलब दिल्ली के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज्यादा है पर ऐसे भी नहीं है कि कॉमन है हाँ। थोड़ी सी है दिखती है रोडों पे पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कॉमन है पिटी पिटी आड़ती है ऐसा नहीं है ना ना। परली साइड का रोड ज्यादा खाली है हाँ। मतलब लेंगे ही नहीं यार देख सामने देख कितनी गाड़ियां खड़ी है 1, 2, 3, 4, 5 कितनी गाड़ी हटवाएंगे जब जाके निकलेगी बाहर तो क्यों दुखी करना फालतू में ऐसे ही देख ले तू हेलो मिला ये लो ओके बाय बच्चों बाय आप कब आओगे अब आऊंगा 1-2 दिन में अच्छा कब व्लॉग डालोगे मेरे को देखना है सुबह चलो बाय कितनी देर से खड़े हो तुम लोग आधे घंटे कितनी देर 6 बजे हम तो अभी 4 बजे तुम 4 बजे आए थे और अभी बजे हुए हैं 7:15 3 घंटे से खड़े हो तुम लोग अरे भाई साहब चलो कोई नहीं बाय तो दोस्तों घर आ गया हूँ मैं और मिलो सिबुगिरी से बहुत पूछ रहे थे कहाँ है कहाँ गायब है भाई तू लोग तेरे पूछते हैं और क्या गाइज चलो आप बोलते ना सिबु गायब है तो देखो इसने मतलब काफी दिन में अपना शूट वूट करा कई सालों के बाद कई सदियों के बाद सिब्बू की 25-26 दिन भाई साल हो जाते हैं सदियां बीत गई तो सिब्बू के मेन चैनल पे इसकी वीडियो आ गई है एवरी इंडियन रिलेटिव्स तो जाके जरूर देखो मैंने भाई पूरी देखी है 2 बार वीडियो बहुत मजेदार लगी मुझे तो आप भी जाके देखना सिब्बू के मेन चैनल के ऊपर रिलेटेबल बनाई पूरी रिलेटेबल वीडियो है रिलेटिव्स के ऊपर है रिश्तेदारों के ऊपर तो जरूर जाके देखना तो चलो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट RRR तो गाइस पहला सवाल हमसे पूछा है योगेंद्र शर्मा ने रचित भैया आप सिब्बू दीदी के पसंद की कार लोगे या अपने पसंद की प्लीज रिप्लाई जरूर देना क्या बोलती है तेरे पसंद की ले ली जाए या मेरी पसंद की तुमने पसंद की मेरे पसंद की करी है भले ही तुमने ऑडियंस को ना बताया मैं बता दूं देखो जो मेरी पसंद है वो इसकी पसंद है या गलत बोला है कुछ ऐसे मुंह की बना रही है नहीं जो मेरी पसंद है वही तेरी पसंद है ना नहीं जो मेरी पसंद है वो तेरी पसंद है कुछ भी मान लो भाई गाड़ी आएगी सेक्सी गाड़ी आएगी ओसम गाड़ी आएगी और ऐसी गाड़ी आएगी जो किसी के पास नहीं है दूसरा सवाल हमसे पूछा है पृथ्वी गुप्ता ने रचित भैया क्या बचपन में अपनी कॉपी है क्या दूसरों को कंप्लीट करने को देते थे प्लीज रिप्लाई अच्छा मतलब अपनी क्लासरूम मतलब अपने स्कूल में कॉपी वगैरह दूसरों को कंप्लीट करने के लिए देते थे हाँ भाई मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपने स्कूल टाइम की थोड़ा तो मैंने किया है कुछ कंप्लीट करना था सिर्फ वो कॉपी करके लिखना था वो तो मैंने किया शायद तुम्हारा था चीनू का था किसका मेरा नहीं किया होगा तेरे टाइम तेरे से जब मिला मैं स्कूल में थोड़ी था अरे कॉलेज का कुछ असाइनमेंट था तुम्हारा किया या फिर मैंने चीनू का किया मेरा नहीं किया होगा तो मैं गाइस आपको स्कूल टाइम की अपनी एक स्टोरी बताता हूँ भाई मैंने कॉपियां बहुत बनवाई है और स्पेशली लड़कियों से बहुत बनवाई है क्योंकि यार इतनी लड़कियां उस टाइम पे स्कूल टाइम पे मरती थी मेरे ऊपर आशिकी में पागल थी तो भाई मैं अपना काम करवा लेता था मगा ले तू कोई नहीं प्यार मोहब्बत मेरा काम कर दे तो भाई मैथ्स की कॉपियां मैंने बहुत बनवाई है क्योंकि इतना काम होता था
हॉलीडे होमवर्क मिलता था 2 महीने का, लड़कियों को दे देता था, मगा ले मेरा होमवर्क करके दे तू। और भाई बढ़िया, अपने स्कूल लाइफ ऐसे कट गई थी, पर वो बचपना था, ठीक है। तो हाँ भाई सच में बहुत कॉपियाँ बनवाई है, लेकिन लड़कियों से, क्योंकि लड़कों ने बनाई नहीं, मेरे सारे दोस्त मेरे जैसे ही थे, मेरे जैसे नहीं थे, जैसे मैं तो थोड़ा सा बैक बेंचर था पर फिर भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मेरे दोस्त बैक बेंचर थे लेकिन पढ़ाई में एवरेज थे, पर हाँ भाई सारे मेरे दोस्त बढ़िया थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन लड़कियों से बहुत काम करवाया मैंने, अगर कोई एक आधी देख रही होगी तो रिलेट कर लेना, कई साल पुरानी बात। तीसरा सवाल हमसे पूछा है पप्पू पठान ने, रचित भाई आपने कहा था मैं एक्सयूवी से रेस करूंगा पर आपने करी नहीं, क्यों? क्योंकि यार देखो, एक तो व्लॉग इतना लंबा हो गया था, वो बेंटले वर्सेस रेंज रोवर में ड्रैग रेस की बात जो मैंने करी थी कि एक्सयूवी से करूंगा, तो इसलिए मैंने करी नहीं भाई एक्सयूवी से, क्योंकि यार वो ऑलरेडी 30 मिनट के आसपास का व्लॉग बन चुका था। तो अभी दोबारा मिलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बेंटले से भी कर लेंगे ड्रैग रेस, अभी आपको बहुत सारी ड्रैग रेस देखने को मिलेगी। इतने जो वीडियोज हैं यार व्लॉग चैनल पे, उनको बहुत सारा प्यार दो, सपोर्ट करो, शेयर करो और जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाओ यार। चौथा सवाल हमसे पूछा है सुरेंद्र सिंह राठौर ने, रचित भाई आपकी पहली साइकिल कौन सी थी? भाई फर्स्ट साइकिल मेरे को मिली थी फर्स्ट क्लास में, जो कि मेरे मामा ने मुझे मेरे जन्मदिन पे गिफ्ट करी थी, और वो साइकिल फर्स्ट क्लास में मिली थी और वो मैंने चलाई थी 8th क्लास तक, जब मैं 8वीं में हो गया था, जब जाके घर पे जिद करके, 9th क्लास में मेरे पास कोई साइकिल नहीं थी, 10th क्लास में हुआ, जब जिद करके मैंने ली थी, वो एटलस की नहीं आती थी 22 इंची 24 इंची ऐसे जो होती थी, क्योंकि यार गांव में ना मोस्टली वही साइकिल चलती थी, वो रफ टफ भी रहती थी, ड्यूरेबल भी होती थी, और भाई उसका जो खर्चा पानी था वो भी सस्ते में नहीं पड़ जाता था, क्योंकि देखो उस टाइम पे यार गियर वाली साइकिल वगैरह तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि यार ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली, आपको पता है यार, नहीं कर पाते इतना अफोर्ड, और मैं भी वो चीज़ समझता था, तो एटलस की साइकिल ली थी। फिर उसके बाद भाई जब 11th क्रॉस कर ली, फिर आई थी जुपिटर स्कूटी हमारे घर में, जिसको मैं चलाता था ज़्यादातर, कभी कभार स्वाति चला लेती थी। फिर उसके बाद गाइज मैंने काफ़ी मेहनत करी, यूट्यूब पे आया, फिर तो भाई लाइन लग गई, पापा को बुलेट गिफ्ट करी, फिर चीनू को भी स्कूटी दिलाई, स्वाति को भी स्कूटी दिलाई, फिर भाई वैगनार आई, वैगनार के बाद क्रेटा आई, क्रेटा के बाद एक्सयूवी आई, एक्सयूवी के बाद अभी आने जा रही है अपनी सुपर कार, व्रूम व्रूम। बस मुझे ही कुछ नहीं दिलाया। अरे सब तेरा ही तो है, यही कह रहा है ऐसे 5 सालों से सब तेरा। भाई सब इस यार एक बात बता, सब तेरा ही तो है, तू इस्तेमाल कर, धुआं उड़ा, पेट्रोल डला, उड़ा धुआं, क्या दिक्कत है? ठोक दूं? ठोक दे, इंश्योरेंस में सही करा दूंगा, क्या दिक्कत है? जीरो डेप्थ का इंश्योरेंस रखता हूँ इसमें। गाइस आपने देखा होगा व्लॉग में, एक्सयूवी तो देता नहीं है, सुपर कार तो देख तू, मेरी होगी। अरे तेरी है सिबू, क्यों टेंशन ले रही है तू? जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, वो भी रिटर्न टू इनवॉइस। पांचवा और आखिरी सवाल हमसे पूछा है रिंकेश ने, रचित भैया आपकी लाइफ में चेंज कैसे हुआ जीरो से हीरो बनने का? मेरी वजह से। समझ, मतलब कुछ वर्ड में बताओ प्लीज। देखो भाई मैं कुछ वर्ड में नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक वर्ड में बताऊंगा, और वो वर्ड है महादेव। मेरा नाम भी ले ले गई तू, सिब्बू मेरे लिए ले ले। महादेव के बाद ले लेता हूँ सिब्बू, लेकिन मेरे लिए सबसे ऊपर महादेव है, उससे ऊपर मैं किसी को नहीं मानता। रहने दे, कट कर दियो, जबरदस्ती बुलवाना पड़ रहा है तो उससे रहने दे। अब तो यही डलेगा, रहने दे, अब तो डलेगा। तो गाइस ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, हो सकता है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कल के RRR सेगमेंट में मिल जाए। तो चलो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइब करा दो, जल्दी सुपर कार के साथ मिलेंगे। बाय बाय गाइज, लव यू एंड टेक केयर, और सिब्बू की वीडियो देख लेना मेन चैनल पे। बाय।